नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ बुशरा। झाबुआ से चुनावी शंखनाद करने की तैयारी में बीजेपी है, ये शंखनाद कैसे होगा? दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 के लिए अपने चुनाव प्रचार अभियान का आगाज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के आदिवासी अंचल झाबुआ से करने वाले हैं। इसके लिए 11 फरवरी की तारीख तय कर दी गई है। मध्य प्रदेश बीजेपी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा की तैयारियों में जुट चुकी है। पहले इस पर देखिए ये खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 फरवरी को मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान पीएम मोदी लगभग 7,500 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को मध्य प्रदेश में जनजातीय बहुल रतलाम झाबुआ सीट से लोकसभा चुनाव का बिगुल भी फूकेंगे। आदिवासी बहुल सीटों पर बड़ा स्कोर बनाने के नजरिए से पीएम मोदी की ये रैली काफी अहम है। 11 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी झाबुए के दौरे पर पधार रहे हैं और एक बड़ी जनजाति रैली में माननीय प्रधानमंत्री जी सम्मिलित होंगे। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश झाबुआ से लेकर के उस क्षेत्र के हमारे सभी कार्यकर्ता व्यापक तैयारियों में जुटे हैं और मैं सबसे अपील करता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के जोरदार स्वागत के साथ ऐतिहासिक रैली और लोकसभा के चुनाव का आगाज माननीय प्रधानमंत्री जी झाबुआ से 11 तारीख को करेंगे। गोपालपुरा में जनजाति सम्मेलन को संबोधित करेंगे। 2 लाख से अधिक जनजाति भाई सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। 7,300 करोड़ की नई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। क्षेत्र की आदिवासी आबादी को भी लाभ मिलेगा। टंडिया मामा भील विश्वविद्यालय की आधारशिला भी रखेंगे पीएम मोदी। झाबुआ की रैली से भील और भिलाला जनजातियों के बीच पैठ बनाने की कोशिश न सिर्फ पश्चिमी मध्य प्रदेश बल्कि राजस्थान और गुजरात के 10-12 जिलों की राजनीति को प्रभावित करेगी। झाबुआ से प्रधानमंत्री लगभग 7,500 करोड़ की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। पीएम मोदी पश्चिम मध्य प्रदेश के भील जनजाति बहुल झाबुआ जिले में गोपालपुरा हवाई पट्टी के पास एक विशाल जनजाति रैली को संबोधित करेंगे। इस मौके पर कम से कम 1 लाख लोगों के लिए व्यापक व्यवस्था की जा रही है। आज यहाँ पर जो बड़ा डॉम लग रहा है, टेंट लग रहा है और गांव-गांव से हमारे जनजाति समाज के लोग यहाँ आने वाले हैं, वो अपनी संस्कृति विरासत को लेकर ही आएंगे और यहाँ पूरे जिले का पूरे प्रदेश का जो जनजाति समाज है वो यहाँ एकत्रित होगा। करीबन 2 लाख लोग आने वाले हैं, सबको हमने वाहन की व्यवस्था, उनको नौता दिया है, गांव-गांव में बैठकें की है, सभी को सुविधाएं देकर हम यहां लाएंगे। 55.9 करोड़ की धनराशि भी करेंगे हस्तांतरित। 50 ग्राम पंचायतों के लिए नल जल योजना राष्ट्र को समर्पित करेंगे। 1,000 से अधिक गांवों के लिए पेयजल आपूर्ति योजना होगी। प्रधानमंत्री कई रेल परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। झाबुआ में प्रधानमंत्री मोदी की यह रैली पड़ोसी राज्य गुजरात के भील जनजाति बहुल दाहोर, छोटा उदयपुर, पंचमहल और महिसागर जिलों के साथ साथ राजस्थान के बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ जिलों में आदिवासी मतदाताओं को एक संदेश भेजने के लिए रणनीतिक रूप से अहम है। रतलाम झाबुआ लोकसभा सीट के 8 विधानसभा क्षेत्रों में से 3 झाबुआ में है। ये वो सीट है जो 72 सालों में 14 बार कांग्रेस ने जीती है। 1952 के बाद से रतलाम झाबुआ एसटी सीट पर हुए 18 चुनावों व उपचुनावों में से कांग्रेस ने 14 बार ये सीट जीती है, जबकि बीजेपी ने 2 बार 2014 और 2019 में ये सीट जीती है। दशकों से इस सीट पर 2 लोगों का दबदबा रहा है, भूरिया राजनेता जिसमें दिलीप सिंह भूरिया जिन्होंने 1980 और 1996 के बीच कांग्रेस के लिए 5 बार सीट जीती और आखिरी बार 2014 में बीजेपी की टिकट पर इस सीट को जीता, और पूर्व केंद्रीय मंत्री और पूर्व राज्य कांग्रेस अध्यक्ष कांतिलाल भूरिया जिन्होंने कांग्रेस के लिए 5 बार 1998 से 2015 में ये सीटें जीती।
2019 के लोकसभा चुनावों में कांतिलाल भूरिया, जो 2014 में दिलीप सिंह भूरिया से 1.08 लाख वोटों से अपनी सीट हार गए थे, लेकिन 2015 के उपचुनाव में उन्होंने ये सीट छीन ली। पहली बार बीजेपी विधायक बने गुमान सिंह डामोर से 90,000 से अधिक वोटों से हार गए थे, जबकि 2018 के विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने इस निर्वाचन क्षेत्र के 8 विधानसभा क्षेत्रों में से सिर्फ 3 में जीत हासिल की थी। 2023 के विधानसभा चुनावों में यहां भारतीय जनता पार्टी ने बेहतर प्रदर्शन किया, 8 विधानसभा क्षेत्रों में से 4 में जीत हासिल की और 1 में कुछ 100 वोटों से हार गई। रतलाम झाबुआ एसटी सीट और गुना मध्य प्रदेश में कांग्रेस के 2 गढ़ थे, जिन्हें 2019 के लोकसभा चुनावों में मोदी लहर पर सवार होकर बीजेपी ने जीत लिया था, जबकि उस समय मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी। कल 11 फरवरी को जो झाबुआ जिले के जो गोपालपुरा में जो जनजाति महाकुंभ होना है, उस महाकुंभ में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यहाँ पहुँचने वाले है, जिसको लेकर के ने यहाँ के जो संगठन द्वारा प्रशासन द्वारा जो तैयारी की गई है, वो संगठन का दावा है कि यहाँ पर 2 लाख से अधिक लोग यहाँ पहुँचने वाले, उनकी बैठने की व्यवस्था की गई है। वहीं संगठन द्वारा यहाँ पर जो आप देख सकते हो, जो मेरे पीछे तस्वीर लगी हुई है, जो जन नायक जो कि जनजाति समाज के जन नायक है टंटिया मामा भगवान बिरसा मुंडा, उनकी यहाँ पर जो तस्वीर लगी है, ये कहीं ना कहीं यहाँ पर जनजाति लोगों के लुभाने के लिए या उनको एक तरह से उनको साधने के लिए ये जनजाति समाज के लोगों को यहाँ पर के लिए जो तस्वीरें लगाई गई है। वहीं अगर ये महाकुंभ जो हो रहा है जनजाति समाज का, जो बड़ौदा में, जो गुजरात के बड़ौदा में होना था लेकिन वहाँ ना होते हुए ये झाबुआ जिले में हो रहा है, और झाबुआ जिले में नीली लगभग बड़वानी धार और अलीराजपुर और रतलाम तक के लोग यहाँ पर इस महाकुंभ में पधारेंगे। इस जनजाति महाकुंभ में जगह जगह चेकिंग व्यवस्था की गई, पुलिस द्वारा व्यापक सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं यहाँ पर, और यहाँ तस्वीरों में आप देखें किस तरह से यहाँ पर पुलिस बल तैनात है और किस तरह से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। तो 2 लाख से भी ज्यादा लोगों के इस सम्मेलन में जुड़ने की आशंका जताई जा रही है। जाहिर है बीजेपी इस बात की भरपूर कोशिश कर रही है कि इस आयोजन को हिट साबित कर सके और सीधे तौर पर कहीं ना कहीं आदिवासी वर्ग को साधने की भी कोशिश है, क्योंकि पश्चिम मध्य प्रदेश के झाबुआ के आसपास 3 आदिवासी आरक्षित लोकसभा सीटें हैं, गुजरात की 2 और राजस्थान की 2 सीटें आती हैं, जिसमें मध्य प्रदेश में सरकार बनाने के बावजूद भी आदिवासी वर्ग में बीजेपी का प्रदर्शन उम्मीद के अनुसार रहा है और इसे बरकरार रखने के लिए ये सम्मेलन अपने आप में बहुत खास है। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ स्वराज संवाददाता दशरथ कट्टा हमारे संवाददाता जुड़ गए। दशरथ, बड़ा सम्मेलन होने वाला है जिसको लेकर भरपूर तैयारियां चल रही हैं, 2 लाख लोगों से जुड़ने की इस सम्मेलन के जरिए जो है कोशिश बीजेपी की रहने वाली है, किस तरीके की तैयारियां और कौन कौन यहाँ पर पहुंचने वाला है? बिल्कुल बताना चाहूंगा, मैं जो झाबुआ जिला में जो गोपालपुरा हवाई पट्टी पर जो जनजाति समाज का जो सम्मेलन होने वाला है, इसमें अभी बात करें तो यहाँ तैयारी का जायजा लेने के लिए अभी खुद सीएम मोहन यादव जी अभी यहाँ पहुंचने वाले हैं। यही केंद्रीय मंत्री निर्मला खुरिया, केंद्रीय मंत्री नागर सिंह चौहान, यही राजस्थान से भी यहाँ पदाधिकारी है जो जनजाति मोर्चे के, वो भी यहाँ पहुंचे हैं। अध्यक्ष और जायजा ले हो रहा है, तैयारी यहाँ पर पुलिस का भी इंतजाम किया गया, पचास कुछ पुलिस तैनात है यहाँ पर, वो कैमरा लगा रहे हलचल ना हो। अरे यहाँ देखा जाए पहाड़ी जो इलाका है यहाँ पर, जहाँ कार्यक्रम होने वाला है वहाँ पर भी जो लंबी दूरी पर देखा जाए वहाँ पर पुलिस के जवान खड़े है और पूरे कार्यक्रम पुलिस बनाए हुए है। वही अभी जो टीम स्टाफ पहुंचने वाले है यहाँ पर पूरी कार्यक्रम का जायजा लेने के लिए। जी वैसे तो दर्शक ये बात साफ है कि आखिर झाबुआ से ही क्यों शंखनाद चुनावी बीजेपी करने वाली है, जाहिर है कि ये आदिवासी वर्ग को साधने के लिए सबसे अच्छा जो क्षेत्र हो सकता है, लेकिन इसके बावजूद भी चुनावी लिहाज से किस तरीके की तैयारियों की झाबुआ से उम्मीद की जा रही है? जी बिल्कुल, बाहुल्य आदिवासी जिला है जो कि झाबुआ, रतलाम
और या बात करें अलीराजपुर, तो वहीं अगर बांस की अगर बात करें जो गुजरात की जो दाहोद जिला है वह भी कहीं कहीं आदिवासी बेल्ट का जिला है। वहाँ की जितनी जो विधानसभा सीट है वो आदिवासी जनजाति वर्ग की आती है। वहीं अगर बांसवाड़ा जिले की बात करें तो बॉर्डर जो बांसवाड़ा राजस्थान की बॉर्डर है बांसवाड़ा जिला डूंगरपुर जिला वो भी वहाँ आदिवासी बहुत सीट है। उसको लेकर कहीं ना कहीं इस कार्यक्रम क्या बनाया जा रहा है कि बड़ौदा में होना था गुजरात के, लेकिन वहां ना होती इस कार्यक्रम का चयन गुजरात में करा है, गुजरात छोड़कर मध्य प्रदेश के झाबुआ में करा है। तो कहीं ना कहीं ऐसा देखा जा रहा है कि यहाँ के जो जनजाति समाज के लोग है आदिवासी लोग है वो कहीं ना कहीं लुभाने के लिए इतना बड़ा कार्यक्रम आयोजन किया जा रहा है। 2024 का जो चुनाव है लोकसभा का उसका कहीं ना आघात होगा और कहीं ना कहीं बड़ी सौगात देने की या बात कही जा रही है। जी इसके अलावा एक और खास जो वजह है कि पश्चिम मध्य प्रदेश के झाबुआ के आसपास देखा जाए तो 3 आदिवासी आरक्षित लोकसभा सीटें भी पड़ रही हैं, जिसमें गुजरात की और 2 राजस्थान की और 2 सीटें हैं। मध्य प्रदेश में सरकार बनाने के बावजूद भी आदिवासी वर्ग में बीजेपी का प्रदर्शन उम्मीद के अनुसार ही रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी हर एक क्योंकि सीमाएं हर तरफ से पड़ रही है, उन चीजों को देखते हुए जो सियासी समीकरण बिठाने की जो बीजेपी की कोशिश है एक्शन प्लान, उसे आप किस तरीके से और देख पा रहे हैं दर्शक? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा है कि जो झाबुआ जो मध्य प्रदेश का जो बॉर्डर पर जो झाबुआ जिला है, ये जो झाबुआ जिला है जो जिसकी सीमा जुड़ी है जैसे राजस्थान और गुजरात, और यहाँ का जो बाहुल्य जनजाति लोग है वो कहीं ना कहीं उनको लुभाने के लिए ही इतना बड़ा कार्यक्रम का आयोजन आज यहाँ झाबुआ के गोपालपुरा में रखा गया, क्योंकि ये बहुत ही भारत आदिवासी पार्टी जो कि राजस्थान में अपना पैर फंसा चुकी है, तो वही राजस्थान में जो कि बाप पार्टी का उम्मीदवार बन कर जो निकल के आया है, उसी तरह से क्या कहीं ना कहीं यहाँ पर इनको साधने की कहवा जारी है। और इसी कार्यक्रम को लेकर ही मोदी का जो क्षेत्र दिखा जा रहा है मोदी का, कहीं ना कहीं आगे समाज को साधने की पूरी तरह से कोशिश जाएगी। दर्शक देखा जाए तो 2 लाख से अधिक लोगों के सम्मेलन में शामिल होने की सूचना है। जाहिर है सूचना ये भी है कि 7,500 करोड़ रुपए के विकास परियोजनाओं का इस कार्यक्रम के जरिए जनता को अट्रैक्ट करने की कोशिश होगी, लेकिन क्या मन से उम्मीद की जा रही है कि और भी कुछ बड़ी जो घोषणाएं वो हो सकती है, इसको लेकर के कयासबाजी साफ हुई है? बोलना चाहूंगा मैं, क्योंकि यहाँ बताया जरूर जा रहा है कि करोड़ रुपए की जो यहाँ जो चलाना है जो यहाँ की जो फॉलिंग है, जो ये बताया जा रहा है आदिवासियों को मिली है, वहीं यहाँ देखा जाए तो उद्योगों के लिए भी यहाँ पर लोगों की मांग है, क्योंकि यहाँ का जो आदिवासी वर्ग है ज्यादातर प्लान पर जाता है, उनको प्लान करने के लिए मजदूरी करने के लिए बाहर जाना पड़ता है, गुजरात राजस्थान जाना पड़ता है, यहाँ नहीं मिलती, तो उसी वेस्ट को करोड़ रुपए की लागत से जो कार्य होने वाले उसका शिलान्यास भी यहाँ किया जाएगा। दर्शक लौट चुके हैं आपके पास, हमारे साथ कुमार संदीप भोपाल से हमारे संवाददाता भी जुड़ गए हैं। संदीप, पश्चिम मध्य प्रदेश में झाबुआ आदिवासी वर्ग की राजनीति का केंद्र है, जाहिर है इस लिहाज से झाबुआ से चुनावी शंखनाद बीजेपी कर रही है, लेकिन इस सम्मेलन से कितनी और उम्मीदें की जा रही है कि आदिवासी वर्ग को साध लिया जाएगा और एक बड़ी घोषणाओं के जरिए इस वर्ग को लोकसभा चुनाव के लिए अट्रैक्ट किया जाएगा? संदीप जी बिल्कुल, देखिए बुशरा, झाबुआ से पीएम मोदी एक संदेश देने के लिए आ रहे हैं कि जिस तरह से आदिवासी वर्ग के लिए उन्होंने, चाहे बात हो गौरव दिवस की या फिर पैसा एक्ट की, इस तरह के कानून जो है वो केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार लेकर आई है, या फिर जो चलिए संदीप लौटे आपके पास, दुर्गेश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, दुर्गेश केशवानी जी बीजेपी से प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत है, उनसे भी प्रतिक्रिया लेंगे। दुर्गेश जी, झाबुआ से चुनावी शंखनाद बीजेपी कर रही है, इस तैयारियों को इस सम्मेलन को और आदिवासी वर्ग को साधने की इस कोशिश को आप किस तरीके से देखेंगे? देखिए बुशरा जी, भारतीय जनता पार्टी माननीय मोदी जी के मूल मंत्र सबका विकास और सबके विश्वास को लेकर काम करती है। निश्चित ही जो पिछड़े हैं, जो वंचित हैं, जो मुख्य धारा में नहीं है, उनको मुख्य धारा में लाने का काम करती है। और हमने निश्चित रूप से भगवान बिरसा मुंडा की जन्मोत्सव पर 15 नवंबर को छुट्टी का ऐलान भी किया, हमने
रघुनाथ शाह और अनेकों अनेक जो इस वर्ग से आते हैं उनके उनके जो महापुरुष हैं उनको उनको उचित स्थान देने का हमारी सरकार ने काम किया। और साथ ही साथ जो अभी हमारे पॉलिटिकल एडिटर संदीप जी बता रहे थे कि हमने पैसा एक्ट को लागू करने का काम किया, हमने जो उनके युवाओं उनको उनको रोजगार देने का काम किया, सूदखोरों से मुक्ति दिलाने का काम किया, और सिकल सेल बीमारी को हमने एक मिशन के रूप में लेकर उससे उससे उनको उसको राहत दिलाने का काम हमारी सरकार ने किया। अनेकों अनेक काम हमने उस वर्ग के लिए किए हैं। और निश्चित ही जब आप उस वर्ग को उस वर्ग के लिए काम करते हैं कि जो जो पिछड़ा है, जो वंचित है, जो मुख्य धारा में नहीं है, तो निश्चित रूप से जनता भी पसंद करती है। और हम तो 8.5 करोड़ जनता की चिंता करते हैं। अगर प्रदेश की बात करें, देश की पूरी बात करें, तो सब हर वर्ग की चिंता करते हैं, ऐसा क्या विशेष नहीं है, पर जो पिछड़े हैं जिनको जिनको मुख्य धारा में लाने का काम हम करते हैं। इसमें भी कोई दो राय नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने कि बहुत सारे ऐसे काम हैं जो बीजेपी ने किए हैं आदिवासी वर्ग के लिए, और समय समय पर इन्हें जनता को बताने का काम भी किया गया है, क्योंकि लोकसभा चुनाव भी नजदीक है। ऐसे में जब कल ये एक बड़ा सम्मेलन होने वाला है, आपके नेता प्रधानमंत्री भी इस कार्यक्रम में पहुंचने वाले हैं, कितनी उम्मीदें की जाए कि इस कार्यक्रम के जरिए एक बड़ी घोषणा, एक बड़ा लाभ मिल सकता है आम लोगों को? देखिए, हम हर वर्ग के लिए काम करते हैं, और चुनाव की दृष्टि से हम कोई भी काम नहीं करते हैं जो जो वोटों वोटों के लिए और इन चीजों को इफेक्ट करने वाली बात है उसको लेकर नहीं करते। हम सतत काम करने वाले लोग हैं, 24x7 365 दिन पांचों साल जनता के हितों का काम करते हैं। और ये निश्चित रूप से आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो विश्व के लोकप्रिय नेता है वो मध्य प्रदेश की धरा पे आ रहे हैं, मैं उनका स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और निश्चित रूप से जब इसका शीर्ष नेतृत्व जब आपके समक्ष आता है तो मन उत्साह उमंग से हो जाता है, रोमांचित हो जाता है। और मुझे लगता है कि निश्चित ही हर वर्ग को हमने हमने हम काम करने का काम किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर एमएसएमई से लेकर स्टार्टअप से लेकर हमने प्रत्येक वर्ग को, चाहे उज्ज्वला का काम हो, चाहे हमने स्वच्छता मिशन के जरिए शौचालय बनाने का काम हो, पीएमआई के मकानों का काम हो, आयुष्मान हो, पिछड़ा जी हमने हर वर्ग के लिए हर क्षेत्र में काम किया है। तो निश्चित रूप से सदैव ही हम जनता के हितों का काम करते हैं, उनके लिए नई योजनाएं की सरकार, यही कारण है। लेकिन विपक्षी नेताओं की तरफ से ये पूछा जा रहा है कि आखिर लोकसभा चुनाव के शंखनाद के लिए झाबुआ को ही क्यों चुना गया है। ये सवाल इसलिए क्योंकि पश्चिम मध्य प्रदेश में धार, रतलाम के साथ ही गुजरात और राजस्थान के इलाके भी सटे हुए हैं, ये सभी भील आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र हैं। पश्चिम मध्य प्रदेश के झाबुआ के आसपास 3 आदिवासी आरक्षित लोकसभा सीटें भी हैं, क्या इन्हें साधने की कोशिश से इसे जोड़कर देखना गलत नहीं? देखिए, बिल्कुल मेरे को लगता है कि ये सब चीजें गलत हैं, ये इफेक्ट बट क्योंकि हमारा जो विपक्षी दल है ना उसके पास मुद्दे नहीं है, वो आरोप और आलोचनाओं के सारे ही चुनाव में जाता है। और बुशरा जी, आपने देखा कि विधानसभा चुनाव रुकना चाहूंगी, माफ कीजिए दुर्गेश जी, हमारे साथ संगीता शर्मा जी भी कांग्रेस से प्रवक्ता, वो भी जुड़ गए हैं, उनसे भी प्रतिक्रिया लेते हैं। बहुत स्वागत आपका संगीता जी। नमस्कार संगीता जी, कल एक बड़ा सम्मेलन होने वाला है जिसमें झाबुआ से लोकसभा चुनाव के लिहाज से देखा जाए, एक बड़ा शंखनाद, चुनावी शंखनाद जिसे हम कह सकते हैं, बीजेपी की तरफ से होने वाला एक बड़ा सम्मेलन है, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, प्रधानमंत्री जी हैं, चुनाव प्रचार होने वाला है, लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं, तो कुछ जगह जगह जाएंगे, चुनाव प्रचार करेंगे। और यदि मध्य प्रदेश के झाबुआ में आ रहे हैं तो प्रधानमंत्री जी को मध्य प्रदेश आने के उपरांत जो मध्य प्रदेश की स्थिति है उस पर भी नजर प्रधानमंत्री की डलेगी। जिस तरीके से हरदा में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, फैक्ट्री में आग लग गई है, कई लोगों की जान माल का नुकसान हुआ है, इसी तरह आदिवासियों के साथ क्या स्थिति है, झाबुआ में आएंगे तो उन्हें पता चलेगा कि उनके 18 सालों की सरकार 20 सालों की सरकार होने आ गई है और मध्य प्रदेश के हालात वही है। केग की रिपोर्ट आ जाई है, केग की रिपोर्ट में भी पता चलेगा कि किस तरीके से पीएम आवास योजना में गड़बड़ियां हुई है, 3-3 आवासों को आवंटित किया गया है एक ही व्यक्ति के नाम से, तो उस तरीके की गड़बड़ियां जो सामने आई है, आयुष्मान योजना में जो मध्य प्रदेश में गड़बड़ियां हो रही है, किस तरीके से आयुष्मान कार्ड का दुरुपयोग किया जा रहा है और जो मरीज है उनको तो फायदा पहुंच नहीं रहा है पर हॉस्पिटल संचालकों को बड़े लेवल पर फायदा। लेकिन क्योंकि लगातार हमारे साथ दुर्गेश केसवानी जी भी जुड़े हुए हैं, कुछ देर पहले वो कह रहे थे कि आदिवासी वर्ग के लिए उनकी पार्टी ने बहुत सारे काम किए हैं,
इससे कितना पूछिए कि 20 सालों की सरकार में दुर्गेश जी ने आदिवासियों को कितना न्याय दिया है बताएं, जो कि जिस तरीके से आदिवासियों को 10-10 फीट गड्ढे में गाड़ के और उनकी हत्या कर दी जाती है, उस पर को आज तक न्याय नहीं दिया जाता है। आदिवासियों की जमीनों को हड़प लिया जाता है, उस पर न्याय नहीं दिया जाता है। आदिवासियों की बहन बच्चियों के जो होस्टल्स रहते हैं वहां पर उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। 18-20 सालों की जो उनकी सरकार थी उसमें आदिवासियों के लिए ऐसा क्या किया गया? पैसा कानून लेकर किया है तो वो भी लेकिन इसमें भी संगीता जी कोई दो राय नहीं है कि आदिवासी वर्ग में बीजेपी का प्रदर्शन उम्मीद के अनुसार ही हर बार रहा है, यही वजह है कि विधानसभा के चुनाव में उसका असर भी देखा गया। देखिए वो तो अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट था, जो बोलते हैं ना अप्रत्याशित रिजल्ट था, उसको तो आज भी भाजपा के लोग भी नहीं समझ पा रहे हैं और न कांग्रेस के लोग समझ पा रहे हैं, न जनता समझ पा रही है कि 3 राज्यों में कांग्रेस आने वाली थी और जो नहीं आई उसकी तो जांच होना चाहिए कि किस तरीके से ये रिजल्ट आए हैं। मोदी जी खुद ये सोच रहे हैं कि कैसे आ गई, भाजपा की जो विधायक जीते वो खुद कह रहे हैं कि हम तो हार गए जिस स्थिति से हम कैसे जीत। लेकिन मेरा सवाल एफर्ट से जुड़ा हुआ था, देखिए इसको भी दरके नहीं, एफर्ट से जुड़ा हुआ मेरा सवाल था कि देखिए मध्य प्रदेश में सरकार बनने के बावजूद भी आदिवासी वर्ग में बीजेपी का प्रदर्शन उम्मीद के अनुसार ही रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी सबसे पहले बीजेपी ने जो कोशिश है लोकसभा चुनाव, जैसा कि कांग्रेस कह रही है, कम से कम कोशिश शुरुआत ही उसने आदिवासी वर्ग को साधने की। तो जहां जहां इन्हें लग रहा है कि इनकी स्थिति कमजोर है ये वहीं से शुरुआत करेंगे, और आदिवासी वर्ग में बहुत कमजोर स्थिति है क्योंकि पिछला जब 18 का चुनाव हुआ था तब भी कांग्रेस को ज्यादा सीटें मिली थी, और इस बार का जो परिणाम था जो मैं बता रही थी कि अप्रत्याशित परिणाम है, तो आदिवासी वर्ग भी यही कह रहा है कि हमने तो कांग्रेस की सरकार बनाना चाहिए थी पर बस भाजपा की गई, तो स्थिति ऐसी ही दिख रही है। ठीक है दुर्गेश जी, सुन पा रहे हैं आप संगीता जी की बातों पर, कितना इत्तेफाक आप रखते हैं और क्या जवाब देना चाहेंगे आप उन्हें? मिश्रा जी छोटा सा जवाब, ये राहुल गांधी की पार्टी की नेता है, ये मुंह की जमा करती पूरा कर सकती, इसके अलावा इनके पास कुछ नहीं है, इन्हें ये कभी भी गांधी परिवार के आगे निकल नहीं पाए, इसलिए वो सिर्फ इनकी जो सोच है सीमित सोच है और वहीं तक सोचते हैं, इसके अलावा कहीं सोच नहीं पाती। जो 60-65 साल में आदिवासियों का बड़ा नहीं कर पाए वो आज यहाँ बैठ के ये सब जो जितनी बातें कर रही है ना, ये सिर्फ आरोप लगाने का काम कर रही है। अगर कहीं से कोई भी तथ्य है इनके पास, कोई एविडेंस है, कहीं कोई सच्चाई है इनकी बातों में, तो मीडिया के समक्ष है ना, बात रखें मीडिया के समक्ष, पर ये बातें नहीं रखेंगे, ये सिर्फ आरोप लगाने का काम है, क्योंकि समय की कमी है, इसलिए जवाब ले लीजिए। चलिए इस बात को और ज्यादा लंबा नहीं लेकर के जाया जा सकता क्योंकि समय की बहुत कमी है। बहरहाल दुर्गेश जी आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, संगीता जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और इसी के साथ ही बुलेटिन में इतना ही, कुछ और खबरों के लिए देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस।